कुशाभाऊ ठाकरे स्मृति भाषणमाला में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कहा वे भाजपा के पितृपुरुष और राजनीतिक संत थे। व्याख्यान माला में कैलाश विजयवर्गीय ने आंतरिक सुरक्षा के मामले में कहा, इंदिरा जी अद्भुत नेतृत्व क्षमता की धनी थी। इस दौरान अटल जी पर आधारित पुस्तक सिद्धांजलि सहित 3 पुस्तकों का लोकार्पण भी हुआ। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय स्थित शंभुनाथ शुक्ल सभागार में कुशाभाऊ ठाकरे स्मृति भाषणमाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नरेंद्र सिंह तोमर थे, जबकि मुख्य वक्ता बंगाल भाजपा के प्रभारी व पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय रहे। इस अवसर पर विषय प्रवर्तन भगवत शरण माथुर ने किया। उक्त कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कुशाभाऊ ठाकरे को एक राजनैतिक संत और भाजपा का पितृपुरुष बताते हुए अपने कई संस्मरण सुनाए। उन्होंने बताया कि वे अद्भुत नेतृत्व क्षमता के धनी होने के साथ व्यक्ति को पहचानने के पारखी थे। मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की चुनौती विषय पर कहा कि वर्तमान में बाह्य सुरक्षा से ज़्यादा आंतरिक सुरक्षा की जरूरत है। इस दौरान विजयवर्गीय ने कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की तारीफ की तथा कहा, इंदिरा जी के बाद अटल जी और मोदी जी ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है। मोदी जी के कूटनीति की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपने सभी पड़ोसी देशों से मित्रता का प्रयास किया, लेकिन पाक और चीन बीच बीच में झटका दे देते हैं। इस बीच भगवत शरण माथुर ने कहा कि हम आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। वर्ग संघर्ष की स्थितियां आंतरिक चुनौती हैं और आतंकवाद बाहरी चुनौती। आइए देखते हैं किसने क्या कहा। वो हमेशा यही कहा करते थे कि
मंदिर में जाने से कोई भगवान प्रसन्न थोड़ी हो। काम ऐसा करो, रास्ता ऐसा पकड़ो, नियत ऐसी रखो, उद्देश्य के प्रति समर्पण ऐसा रखो कि ईश्वर स्वयं भी खुश हो जाए और हमको आशीर्वाद प्रदान करे। ठाकरे जी के साथ किए गए कार्यों की यादव की बारात निकल गई। मैं सोच रहा था कि किस प्रकार मैंने पहली बार ठाकरे जी को धार से उधर 60 किलोमीटर साइकिल चलाते हुए आते हुए पहली बार देखा था। तब से लेकर उनके अंतिम समय तक जो उनका जीवन देखा वो तो नहीं है हमारे बीच में, पर उस परंपरा में अपना जीवन देकर समाज के उत्थान के लिए हमेशा काम करने वाले बहुत ही मस्त जीजी विषा के मालिक हम सब के श्रद्धा के केंद्र आदरणीय प्रोफेसर शरण बाथरू जी, जरा तालियां बजा कर उनका अभिनंदन करें, क्योंकि उनके प्यार की दादाजी के कारण में यहाँ पर पहुँचे, उनके स्नेह के दादागिरी के कारण यहाँ पहुँचे। तो मैंने कहा कि मैं ऐसा वक्ता नहीं, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं, मुझे आप इस व्याख्यान माला में बुला रहे हैं। तो बोले चूंकि आप बंगाल में प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं इसलिए आपसे अच्छा प्रत्यक्षदर्शी और कोई भी नहीं हो सकता, वो आपको देखा आप हाल आप सुनाइएगा। वह समस्या थी अलगावर, वह समस्या ऐसी समस्या थी जिसको लाल प्यार में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पनाह देकर आज नासूर बना दिया। मुझे कहते हैं बहुत अफसोस है कि देश की स्वतंत्रता के लिए जितने लोगों ने बलिदान दिया उससे ज्यादा जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए हमारे सैनिकों और वहां के नागरिकों का बलिदान है। मित्रों, ताली बजाने की बात नहीं है, बहुत अफसोस की बात है। अब सोचिए, देश की आजादी के लिए बलिदान हुआ, सैकड़ों नौजवानों का बलिदान हुआ, बहुत सारे नौजवानों का इतिहास के पन्नों में नाम है। कुछ ऐसे नौजवान है जिनका इतिहास के पन्नों में नाम नहीं है, पर उन्होंने फिरंगियों की गोली को अपनी छाती पर फैला। यह आजादी हमें ऐसे नहीं मिली कि कुछ लोग गीत गाते हैं कि दीदी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल साबरमती के संतुल कर दिया कमाल। यह आजादी ऐसे नहीं मिली। नजर की गीत पढ़ता है तो मेरे मन में दर्द होता है, दुख होता है। उन सब क्रांतिकारियों के ऐसा लगता है कि गीत अपमान कर रहा है। चाटुकारी का होना चाहिए पर किसी का अपमान करते नहीं, और उनका अपमान करके तो बिल्कुल भी नहीं जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ये बहुत ओपन सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट कि कोई भी बड़ा देश अपने मित्र देश के राजनीतिक कारणों में बड़ा हस्तक्षेप रखता है। जब भी नेपाल में चुनाव होते थे भारत की कोशिश होती थी कि वहां पर राज घराने से समर्थित सरकार जीते, उसके लिए तन मन धन हमेशा लगता था। मैं प्रशंसा करना चाहूंगा आज श्रीमती इंदिरा गांधी की, जब तक थी जब तक एशिया के देशों में भारत की नेतृत्व क्षमता का दबदबा था, उनके जाने के बाद दबदबा कम हुआ। लेकिन इस दुनिया में दो चार संघर्षरत हैं, एक है तलवार के बल पर पूरी दुनिया पर राज करने का सपना पाले हुए है, और दूसरा है बम और पैसे के बल पर दुनिया पर राज करने का काम चल रहा है। लेकिन तलवार वालों के यहां और ये बम और पैसे वालों के यहां उतना कारगर निशाना नहीं बैठ पा रहा है जितना इस हिंदुस्तान के इतने बड़े भूभाग और 110 करोड़ लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और एक तो बार बार कुलपति जी हमेशा परिचय कराते हैं और ये वो, उन्हें तो कोई राय दिक्कत नहीं हो। एक सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ,
और समय समय पर सारे विषयों पर चिंतन मनन करते रहते हैं और चर्चा करते रहते हैं। और जिस विषय पर माधुर साहब ने इस व्याख्यान माला को आयोजित किया है वो नेतृत्व की कमजोरी का एक तरीके से दुष्परिणाम है। यदि नेतृत्व मजबूत है, दबंग है और सुचिता से खड़ा हुआ है तो इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए नीति और योजनाएं ऐसी बनती हैं कि वो समस्याएं फिर धूमिल होती हुई दिखाई देती हैं। ठाकरे जी ने जीवन भर इतने कद्दावर राजनीतिक कार्यकर्ता तो थे लेकिन उनका जो जीवन था वो ऐसा सुचिता से भरा हुआ था जिससे लगातार उनको प्रेरणा लेने की जरूरत है।